फ्रिज के डीप फ्रीजर का ढक्कन टूट गया, मैं तो इसे नहीं फेंकने वाला, ये बन जाएगा सुंदर मीरा क्राफ्ट। मैं हूं नरेंद्र दिल्ली इंडिया से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट। दोस्तों, ये वॉल पुट्टी आसानी से किसी भी हार्डवेयर शॉप पे बहुत ही सस्ते में अवेलेबल है। केवल पानी मिलाकर हम इससे बहुत ही बढ़िया डो बना सकते हैं। डो बनाने का जो तरीका है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से देख कर आप सीख सकते हैं। पहले डो बनाने का प्रैक्टिस करें, जब एक बार डो बन जाए तो फिर आगे क्राफ्ट बनाए। एक बार अगर आपका डो अच्छा बन जाता है तो आराम से आप क्राफ्ट बना लेंगे और इसी से हम पतले पतले शीट्स बनाएंगे। छोटे बेलन ना हो तो बड़े बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरफेस पे केवल पानी लगाएं और जो आपने शीट बनाया है उसे केवल रख दें और जो नीचे का पोर्शन है उसे उंगलियों से हल्का हल्का दबाव देंगे तो ये आसानी से चिपक जाएगा। ठीक इसी तरीके से दूसरे शीट को भी चिपकाएं। दोनों शीट के जो बीच का गैप है उसे केवल पानी के सहारे स्मूथ करें, उंगलियों से एकसार करें तो ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। पूरे शीट को इसी तरह कवर करें। पूरा सरफेस कवर होने के बाद इन्हें हम बढ़िया से सुखा लेंगे। जैसे ही हमारा पहला लेयर ड्राई होता है तो हम HB पेंसिल से मनपसंद ड्राइंग कर लेंगे। आप अगर इसमें कंफर्ट ना हो तो कोई दूसरा ड्राइंग का भी चुनाव कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। दोस्तों, ये वॉल पुट्टी का घोल है, बस एक चम्मच पानी और एक चम्मच पाउडर से बना हुआ है। अब हम इसी घोल के सहारे सेकेंड लेयर करेंगे। जहाँ भी हमें क्राफ्ट का सेकेंड लेयर करना है वहाँ पर थोड़ा सा घोल लगाएंगे और फिर वॉल पुट्टी से शेप देकर उसे चिपकाते चले जाएंगे। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो सबसे नीचे वाला लेयर है वो कौन सा होना चाहिए। चाहे तो एक कागज़ पे नोट करके रख लें। तो हेयर यानी केश, मीरा के केश हम बनाएंगे और इसे हम वॉल पुट्टी के घोल से चिपकाते चले जाएंगे। मेरे पास ये पुराना नेल कटर है, इसी से मैं ज़्यादातर क्राफ्ट करता हूँ। तो इस नेल कटर से थोड़ी बहुत डिटेलिंग कर लें, लाइनिंग कर लें और लाइनिंग करने के बाद ब्रश से केवल पानी लगाकर स्मूथ कर लें। इससे आपका क्राफ्ट स्मूथ हो जाएगा और अनइवन एरिया बिल्कुल इवन हो जाएगा, यानी समतल हो जाएगा। अब दोनों पैर बना लें और इन्हें भी हम हल्का सा ड्राई होने देंगे। अच्छा होगा एक पेपर पे आप ड्राइंग कर लें ताकि रेफरेंस से आप देखते रहें। अब आप छोटे छोटे पतले पतले कॉइल्स बना लें और साइड में ट्री है, वॉल पुट्टी के घोल की सहायता से इन कॉइल्स को लगाते चले जाएं। और ध्यान रखें, एक ट्री का जो ब्रांच है उसका रिदम होता है तो उसी के हिसाब से आप इसे लगाकर बैलेंस करें। आप इसे ब्रश पे पानी लगाकर हल्का सा स्मूथ भी कर सकते हैं। अब आप एक तारा बनाकर चिपका लें और इसे भी हम हल्का सा ड्राई होने देंगे। आप देखेंगे कि जो सबसे नीचे का लेयर है उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। आपको भी यही तरीका अपनाना चाहिए। और वॉल पुट्टी क्राफ्ट करते समय ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि नीचे का लेयर हमेशा ड्राई होना चाहिए, यानी हार्ड होना चाहिए, तभी आप दूसरे लेयर पे आसानी से काम कर सकते हैं और शेप भी ख़राब नहीं होगा। वॉल पुट्टी का डो रन करता है तो जैसे आप गीले पे काम करेंगे तो उसका जो शेप है वो बिगड़ जाएगा, प्रॉपर शेप नहीं आ पाएगा। दोस्तों, आपका पहला सवाल, ये क्रैक तो नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता क्रैक, अगर आप प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। ये किसी भी सतह पे चिपक जाता है और केवल पानी के सहारे चिपक जाता है। दोस्तों, अगर आप लोकल ब्रांड या किसी अन्य ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, किसी अन्य ब्रांड या लोकल ब्रांड से बनाकर मुझे फ़ोटो भेजते हैं कि सर ये तो क्रैक हो गया। जब मैं उनसे मांगता हूँ कि आपने ब्रांड कौन सा इस्तेमाल किया तो उन्हें नाम भी नहीं मालूम, और अगर मालूम भी है तो बिल्कुल अलग तरीके का ब्रांड जो मैंने कभी ना सुना ना देखा वो इस्तेमाल करते हैं। तो फैसला आपका है। तो इस तरीके से लेयर वाइज लेयर काम करते हुए आप इस क्राफ्ट को कम्प्लीट करें और इसे हम अच्छे तरीके से फिर से ड्राई होने देंगे। वॉल पुट्टी के डो से छोटे छोटे बिंदी के आकार का शेप बनाकर
नेल कटर से डिटेलिंग करें तो ये छोटी छोटी पत्तियां बन जाएंगी और ढेर सारे बनाकर इन्हें सुखा लें। वॉल पुट्टी के डो से पतले पतले कॉइल्स बनाकर बॉर्डर पे चिपका लें। इन्हें भी आप वॉल पुट्टी के घोल से चिपकाएं, इन्हें भी आप अच्छी तरह ड्राई होने दें। दोस्तों ये 3D आउटलाइनर है, किसी भी स्टेशनरी दुकान पे आसानी से 25 से 30 रुपये में मिल जाता है और इसी से हम लाइनिंग कर सकते हैं यानी कोनिंग कर सकते हैं। कोनिंग करने से पहले अगर ज़रूरत हो तो 320 यानी 320 नंबर के रेगमाल का इस्तेमाल कर आर्टवर्क को स्मूथ कर लें। दोस्तों अब हम कलर करने की तैयारी करते हैं। वॉल पुट्टी क्राफ्ट में हमेशा एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल करें, 2 या 3 कोट करें। एक लेयर जब सूख जाए तब दूसरा लेयर करें, इससे आपके क्राफ्ट में चमक आ जाएगी, वार्निश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये हल्का सा वाटरप्रूफ भी हो जाएगा। जैसे पानी के छींटे पड़े तो कपड़े से पोंछ लें, ये साफ़ हो जाएंगे। आप चाहें तो मेटालिक कलर भी कर सकते हैं या आप जिसमें कंफर्ट हो वही कलर करें। छोटी पत्तियां जो बनाई थी उन्हें कलर करके सुखा लें और आर्टवर्क पे कंपोजिशन के हिसाब से एक बार रख कर देख लें। जहाँ भी अच्छा लगता है उसी हिसाब से केवल फेविकोल से इसे चिपका लें। ये छोटे वाले कट मिरर्स हैं, किसी भी स्टेशनरी दुकान पर ये आसानी से बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। इन्हें हम बॉर्डर के अंदर फेविकोल की सहायता से चिपका लेंगे। तो दोस्तों फ्रीजर के ढक्कन से बना ये मीरा क्राफ्ट बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल नया और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की थीम पर बना ये क्राफ्ट आपके रिश्तेदार और पड़ोसियों को चौंकाने के लिए काफ़ी है। घर में जो भी वेस्ट मटेरियल निकले उन्हें छटाई कर रख लें, प्लान करें और झटपट क्राफ्ट बना लें। मेरे चैनल क्राफ्ट पॉकेट पे एक बार विजिट करें, जो अच्छा लगे वही बनाएं। अगर आपने पहले वॉल पुट्टी से काम नहीं किया है तो पहले डो बनाने का अभ्यास करें। एक बार जब डो बन जाए तो छोटे छोटे क्राफ्ट बनाएं, अभ्यास होने के बाद ही बड़े क्राफ्ट बनाएं। अगर ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो ये 3 क्राफ्ट सीख सकते हैं। ये पेड क्लासेज हैं और ये फेसबुक ग्रुप में अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताएं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप फेसबुक पे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह के नए आइडिया और बचत वाले क्राफ्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में एक बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि मेरा हर नया वीडियो आप सबसे पहले देख सके। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट।